पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साधा निशाना, कहा घोटाले की सरकार है। पटना सिटी में राजद पार्टी द्वारा आयोजित पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद उम्मीदवार आजाद गांधी की जीत सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा ने पटना सिटी के विधायक व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत सीएम नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। वहीं नंद किशोर यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पटना साहिब की जनता पूछ रही है कहां है विकास। बता दें कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर यादव से है, जो अभी बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री भी हैं। स्वर्णा के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। लगातार लोकतंत्र का हरण करके, नीचे रखिए ना संबोधन, ठगी करके मालिक बन बैठे हैं यहाँ, जनता का मालिक। मालिक जब जनता होती है लोकतंत्र में, तो हम याद दिलाने आए हैं कि आप मालिक हैं और आप अपना सेवक चुनिए, ना कि एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने का काम करे। आप विकास की बात करते हैं, आजादी के बाद से यहाँ जो दो कॉलेज है, उस तीसरा कॉलेज खुला क्या? इनके एमएलए बनने से पहले, जब ये मेयर बने, जब ये पार्षद बने, उससे पहले का कॉलेज है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। जो अस्पताल है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और ये मंत्री बने, शिक्षा, ये स्वास्थ्य मंत्री भी बने, लेकिन कोई स्वास्थ्य का ख्याल जनता का नहीं रखते। जनता का ख्याल नहीं रखने वाले प्रतिनिधि को पल भर भी उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उनकी तरक्की जो 25 वर्षों में हुई है, आप उसका आकलन अगर कर लें तो आपको एहसास हो जाएगा कि विकास किसका। एनडीए कहता है कि लगातार विकास की दौर है, विकास के बल पर हम जीतेंगे, इसमें क्या कहना? सबसे महत्वपूर्ण योजना है इनकी 7 निश्चय योजना। आम आदमी के लिए है क्या इनके पास? जो वो महत्वपूर्ण योजना है उसका हाल जाकर एक एक बोरिंग का हाल देख लीजिए। 3 महीने से ज्यादा चलने वाला कोई बोरिंग नहीं है। अफरा तफरी में बना का हाल है। ये इनको पेड़ लगाना होता है, पौधे लगाने होते हैं। किसान भाई हमारे भले ही भूख मर रहे हो, किसान भाई को भले ही अब समर्थन मूल्य न मिल रहा हो, उनके लिए काला कानून भले ही ये लेके आते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे लगाने हैं उसको लगाने के लिए कंपनियां जो आती है वो साउथ से आती है। साउथ से कंपनियां आती है और घंटे भर में 5 लाख और 10 लाख पेड़ लगा के चली जाती है पूरे बिहार में। सृजन कब तक चलेगा? सृजन घोटाले को लेकर घोटाले की सरकार है। गौर करेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और जो इनके योजनाएं हैं वो सिर्फ घोटाला करने के लिए बनाई जाती है। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर और सृजन घोटाला को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। यकायक अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, यकायक अगर हम अभी कांग्रेस में हैं और चले जाएं भाजपा में, तो कुछ तो उसके पीछे रहस्य होगा। क्या रहस्य है वो वही बताएं। आज तक पता चल सका कि रातों रात क्यों इन्होंने जो है मुख्यमंत्री ही रहना था इनको, प्रधानमंत्री तो ये हो नहीं गए, क्यों इन्होंने सत्ता परिवर्तन कर लिया, क्यों उनके साथ जो है दल बदल दिया? यानी इन सब आरोपों से बचना चाह रहे हैं। आम आदमी के वोटों से चुनकर आई जो सरकार थी, उस आम आदमी के वोटों को कन्वर्ट कर दिया, सांप्रदायिक ताकत के साथ मिला दिया, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी के वोटों के साथ खिलवाड़। आपके चैनल के माध्यम से हम पटना साहिब के स्नातक मतदाताओं एवं 3 तारीख को होने वाले जो समान जनरल चुनाव विधानसभा का है, हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 22 तारीख को पहला चुनाव है। लोग हमेशा मान सम्मान देने का काम लोगों द्वारा किया गया है, आगे भी लोग मान सम्मान हमको देते रहे हैं। और पूरे पटना साहिब में स्नातक प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी पर आस्था प्रकट करता है, लालू यादव पर आस्था प्रकट करता है, जो सोच आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की है कि पहला कैबिनेट 10 लाख लोगों का रोजगार, कोई जात पात नहीं, A to Z की राजनीति हमारे नेता करते हैं। दूसरा हमारा जो मसला है, समान वेतन जो नियोजित हमारे शिक्षक हैं, जिसकी हालात काफी खराब है, उसके लिए हमारी पार्टी ने अपने एजेंडे पर रखा है समान वेतन के लिए, हम उसको स्थायी करेंगे। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परिवर्तन की लहर चल रही है, स्नातक क्षेत्रों में भी परिवर्तन की लहर चल चुकी है। जो 12 वर्षों तक मठाधीश बन करके बैठा रहा, स्नातकों की न समस्या सुना, सिर्फ लालू यादव ऐसे महान नेता को
गलियाने का काम किया, अब समय आ गया है कैसे नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का। देखिए सर, हॉटशिप पर जो है रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।